नमस्कार दोस्तों दोस्तों ये एक बहुत बड़ा ही कंफ्यूजन होता है कि मुआवजा 2 गुना मिलेगा या 4 गुना मिलेगा। मैं जहां भी जाता हूँ किसानों के बीच सबका यही क्वेश्चन होता है कि मुआवजा 4 गुना मिलना चाहिए या 3 गुना मिलना चाहिए। तो ये कंफ्यूजन का कारण है क्या? जब जमीन अधिग्रहण में रिफॉर्म आई थी 2013 एक्ट आने के बाद, RFCT LARR एक्ट जब 2013 में आई, उसके बाद भूमि अधिग्रहण में रिफॉर्म्स आई थी और उसमें बहुत सारी चीजें भूमि अधिग्रहण में इंक्लूड किया गया, जैसे कि 100% सोलेशियम, 12% ब्याज थी ये प्रकाशन के डेट से, और तीसरा था मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। ये स्टेट को अधिकार दिया गया कि आप शहरी क्षेत्रों के लिए 1 और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2 मल्टीप्लीकेशन फैक्टर डिसाइड करिए। मल्टीप्लीकेशन फैक्टर का मतलब क्या होता है कि जो गवर्नमेंट वेट होती है उस वेट से जो जमीन का मुआवजा बना, मान ले 1 लाख रुपया मुआवजा बना, तो अगर मल्टीप्लीकेशन फैक्टर 1 है तो 1 लाख स्टेट का 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद 1 लाख रहेगा। अगर मल्टीप्लीकेशन फैक्टर 1.5 है तो मुआवजा 1 लाख से 1.5 लाख हो जाएगा, अगर 2 है तो मुआवजा 1 लाख से 2 लाख हो जाएगा। अब उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 100% सोलेशियम देती है, मतलब है कि 1 लाख जो मुआवजा थी वो 2 लाख हो जाएगी, जो 1.5 लाख मुआवजा थी वो 3 लाख हो जाएगी और जो 2 लाख मुआवजा थी वो 4 लाख हो जाएगी। मतलब क्या है कि 1 लाख मुआवजा 4 लाख भी बन रहा है, यानी 4 गुना भी हो जा रहा है, और वही 1 लाख मुआवजा कहीं 2 गुना भी बन रहा है। उसके पीछे जो लॉजिक है वो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर का है। मैंने एक वीडियो बनाई थी लैंड एक्विजिशन के ऊपर, अभी दिल्ली अमृतसर कटरा के बीच एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है। जब वहां के लोगों ने मेरी वीडियोस देखा तो कमेंट में सेम क्वेश्चंस उन लोगों के द्वारा भी आने लगे। तो ये 2013 एक्ट की वो पेज है जहां पर इसमें साफ लिखा हुआ है कि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ग्रामीण क्षेत्रों में 2 और शहरी क्षेत्रों में 1 रखना है। तो इसने कुछ स्टेटों ने तो इसे अच्छे से फॉलो किया, कुछ स्टेटों ने सीधा सीधा 2 रख दिया, मतलब शहरी क्षेत्रों में भी 2 ग्रामीण क्षेत्रों में भी 2। तो जहां मल्टीप्लीकेशन फैक्टर 2 रखा है वहां मुआवजा 4 गुना हो गया, जहां मल्टीप्लीकेशन फैक्टर 1 रहा वहां मुआवजा 2 गुना हो गया, जहां 1.5 था वहां मुआवजा 3 गुना हो गया। अब चूंकि मैं हरियाणा के बारे में यहाँ पर ज्यादा फोकस करना चाह रहा हूँ, तो ये हरियाणा का गैजेट है 23 जनवरी 2018 का, जहां पर हरियाणा गवर्नमेंट ने क्लियर कट इसमें मेंशन कर दी कि अगर कोई जमीन शहरी क्षेत्र के अंदर में है तो वहां का मल्टीप्लीकेशन फैक्टर 1 रहेगा, यानी कि वहां का मुआवजा 2 गुना बनेगा। अब ये शहरी क्षेत्र में 1 और ग्रामीण क्षेत्र में 2 क्यों रखा गया? क्योंकि शहरों में जमीन का दाम ज्यादा होता है तो वहां 2 गुना मुआवजा भी बहुत अच्छी मुआवजा बन जाती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जमीन का वेट कम होता है इसलिए वहां पर मुआवजा को 4 गुना कर देते हैं ताकि उनको एक अच्छी राशि उनको मिल सके। तो उन्होंने शहरी क्षेत्रों के लिए 1 रखा, शहर से 10 किलोमीटर के अंदर के लिए 1.25 रखा, 10 से 20 किलोमीटर के लिए 1.5, 20 से 30 किलोमीटर के लिए 1.75 और 30 किलोमीटर के बाहर वाले जमीन के लिए फैक्टर 2 रखा। अब जो शहरी क्षेत्र में मुआवजा वहां बनेगी वो 2 गुना बन जाएगी, शहर से 10 किलोमीटर के अंदर जो मुआवजा है वहां पर 2.5 यानी कि 2.5 गुना मुआवजा बनेगा, 10 से 20 किलोमीटर वाले जमीन का मुआवजा 3 गुना बनेगा, 20 से 30 किलोमीटर वाले के 3.5 गुना और 30 किलोमीटर के बाहर वाले का मुआवजा 4 गुना बनेगा। इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन फैक्टर हर स्टेट ने अपना अपना डिसाइड कर रखा है। आपका जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनके ऑफिस में जाके आप मल्टीप्लीकेशन फैक्टर जान सकते हैं और उस हिसाब से आप पता लगा सकते हैं कि जो गवर्नमेंट रेट से मुआवजा बनेगी उसका कितना टाइम मुआवजा आपको मिलेगा। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमने वो गैजेट का कॉपी यहाँ अटैच किया है। उसके बाद ये एक फॉर्मेट है जिस फॉर्मेट में लोगों को मुआवजा बनती है। तो सबसे पहले उनका नाम डालते हैं, नाम के बाद उनका सर्वे नंबर क्या है, सर्वे नंबर के बाद उनकी जमीन कितना लिया, वो जमीन सिंचित है या अनसिंचित है, सिंचित असिंचित का रेट क्या है, उस रेट से उस जमीन का मुआवजा निकाल लेते हैं, फिर वहां का मल्टीप्लीकेशन फैक्टर जो है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, उनके क्या है उनके जमीन पर कितना पेड़ है उसका पैसा, उनके घर है तो उसका पैसा, कुआं है ट्यूबवेल है उसका पैसा, सारे पैसा को जोड़कर हम एक टोटल अमाउंट निकालते हैं, फिर 12% ब्याज देते हैं जमीन के ऊपर फिर ये प्रकाशन के डेट से मुआवजा तक, और उसके बाद जितना मुआवजा बना उसका 100% सोल्यूशन दे देते हैं, और इसके बाद टोटल जोड़ते हैं 100% सोल्यूशन का, टोटल अमाउंट का, 12% ब्याज का, और फाइनली टोटल मुआवजा का राशि निर्धारित होती है। तो इस तरीके से ये वीडियो में हमने क्लियर करने का कोशिश किया कि क्यों मुआवजा कहीं 4 गुना कहीं 2 गुना कहीं 3 गुना होता है। तो आशा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और भी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।